हाँ दोस्तों, सीटेट 2019 का फाइनल आंसर की ला दिया गया है, तो इसी के रिगार्डिंग सारी बातों को बताने आया हूँ। किस तरह से आप अपना आंसर की देखिएगा और किस तरह से आपको आंसर की डाउनलोड करना है, अगर आपको किसी आंसर की में ऑब्जेक्शन लगाना है तो किस तरह से ये लगाना है, ये सारी बातें को आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे प्लस तो आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, ये रहा सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट। तो नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं अभी अभी जस्ट एक नया लिंक आप एक्टिवेट करके बताया गया है, जहाँ देख रहे हैं न्यू ब्लिंक हो रही है, इसे आपको क्लिक कर फाइनली ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जहाँ पर सारी बातें बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको आंसर की देखना होगा। चलिए, इसे मैं ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ हूँ, चलिए मैं वहाँ से आपको सारी बातों को बता देता हूँ। हाँ दोस्तों, ये रहा, फाइनली मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, जहाँ देख सकते हैं 24 तारीख को अपडेट कर बताया गया है। नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं पूरा नोटिस को यहाँ बताया गया डिटेल से, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑल द कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द सीटेट जुलाई 2019 हेल्ड ऑन 7/7/2019, तो 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर रिगार्डिंग नोटिस आया गया, जहाँ बताया जा रहा है कि डेट द स्कैन इमेज ऑफ OMR सीट आंसर सीट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। दोस्तों ये रहा, इस वेबसाइट में दोस्तों आपको आंसर की अपलोड कर दिया गया है, और ये आंसर की कब से कब तक है तो 24 जुलाई से 26 जुलाई रात 12 बजे तक आप आंसर की देख सकते हैं। और सभी वेबसाइट का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट आप उस लिंक को क्लिक करके अपना आंसर की देख सकते हैं, अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है तो ये नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं सभी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों इसी बीच वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ, इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों आते हैं आगे, जान सकते हैं देर इज ए प्रोविजन फॉर द कैंडिडेट टू चैलेंज द आंसर की थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। और तो ये वेबसाइट, इसी वेबसाइट में 24 से आप 26 तारीख को रात को 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी आंसर की में आपको प्रॉब्लम आ रही है, गलती लग रही है, तो आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि पर कैंडिडेट को 1000 रुपया लगेगी, जो देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है, जो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग किसी भी तरह से अपना पेमेंट कर सकते हैं, और ये जो मनी है नॉन रिफंडेबल है। तो इस किस तरह से आपको ये सब प्रोसेस करना है, कैंसिल किस तरह से चैलेंज करना है, किस तरह से आप आंसर की देखिएगा, इसलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने वापस वीडियो में। नीचे आते हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये दोस्तों बताया जा रहा है कि व्यू इमेज ऑफ OMR सीट व्यू एंड चैलेंज आंसर की सीटेट जुलाई 2019। चलिए इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ पेज ओपन हो गए, जहाँ देख रहे हैं दो तरह का पेज ओपन हुई है। पहला लिंक है जहाँ देख रहे हैं डाउनलोड ऑफ OMR सीट एंड आंसर की फॉर द सीटेट जुलाई। सीटेट के लिए जो आंसर की OMR सीट डाउनलोड करना है तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। और जो नेक्स्ट है तो सबमिशन ऑफ की चैलेंज फॉर द सीटेट, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी क्वेश्चन में चैलेंज करना है, ऑब्जेक्शन लगाना है, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। चलिए तो बारी बारी से मैं दोनों लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले तो जो है डाउनलोड करने के लिए OMR सीट, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे जो आपको लॉगिन के लिए पूरा डिटेल्स मांगा जाएगा। दोस्तों आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद ही दोस्तों जस्ट उस वहाँ पर आपका पेज ओपन हो जाएगी, आप अपने अनुसार से आंसर मिला लीजिएगा, कौन कौन सा आंसर है वो आपका हुबहू जो आपने एग्जाम दिया था वो आपको आ जाएगा, उसके बगल में आंसर दिया जाएगा, आप मैच करके अपना आंसर मिला लीजिएगा। और बगल में यहाँ पर लिखा रहेगा डाउनलोड आंसर की, तो आप उससे आंसर की को डाउनलोड कर लीजिएगा, आंसर शीट को डाउनलोड कर लीजिएगा, और अपने अनुसार पसंदीदा आप अपने तरीके से मिला सकते हैं। दोस्तों ये थी, मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, तो मैं आगे नहीं जा पाऊँगा क्योंकि दोस्तों मैंने सीटेट का एग्जाम नहीं दिया है और मेरे पास लॉगिन आईडी अवेलेबल नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं आगे नहीं बता पा रहा हूँ। अगर आप में से जिन लोग पास है अवेलेबल तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बता दें, मैं हो सके तो उसका सेकेंड पार्ट लाऊँगा वीडियो, और आपको डिटेल्स इससे आगे जो प्रोसेस है मैं आपको बता दूँगा। फिर दोस्तों अब आते हैं दोस्तों पीछे वापस। हाँ दोस्तों अब आते हैं दोस्तों सबमिशन ऑफ द जो चैलेंज की है कि आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, तो आपको ये लिंक पे क्लिक कर लूँगा। चलिए मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं उस तरह से पेज ओपन होगी। ये रहा दोस्तों, यहाँ पर फाइनली पेज ओपन हो चुकी है दोस्तों। ये दोनों का जो लिंक अलग अलग है, OMR सीट डाउनलोड करने का अलग लिंक है और चैलेंज करने का, ऑब्जेक्शन लगाने का अलग लिंक है। तो दोस्तों ये दोनों लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, मैं बता रहा हूँ बार बार। अब तो देख सकते हैं यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी डालकर आप अपना
जो भी है चैलेंज को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। वहाँ पर सिंपल सा आपको जो क्वेश्चन डाउट लग रहा है उस क्वेश्चन को क्लिक करके अपने चैलेंज क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। जो भी चैलेंज होगा जितना क्वेश्चन होगा, लेकिन पर कैंडिडेट को 1000 रुपीज़ देना होगा। अगर आपको एक क्वेश्चन लग रहा है डाउट, दो क्वेश्चन लग रहा है डाउट, तीन क्वेश्चन लग रहा है डाउट, चार क्वेश्चन लग रहा है डाउट, आप सभी डाउट क्वेश्चन को एक साथ चूज करके वहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं और सभी ओवरऑल आपको 1000 रुपीज़ पर कैंडिडेट्स लगेगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जहाँ मैंने आई थिंक सारी बातों क्लियर कर चुका हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ फिर अदर गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने आऊँगा या इस तरह का अपडेट देने आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।